नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह हमारी तीसरी कक्षा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की, जिसमें हमें शुरू करना है रसायन विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन। ठीक, इसके पहले के जो दो वीडियोस हैं उसमें हमने जीव विज्ञान से संबंधित जो बेसिक सिद्धांत हैं उनकी चर्चा की थी। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे तो आप सभी से अनुरोध है उन दो वीडियो को देख लें ताकि आपके बे टॉपिक भी कवर हो जाए। तो रसायन विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को चर्चा में शामिल करेंगे, तो उनमें शामिल हैं जो बेसिक या फंडामेंटल सिद्धांत है उनको देखेंगे, पदार्थ और पदार्थ के वर्गीकरण की चर्चा की जाएगी, धातु, अधातु, उपधातु इनकी चर्चा होगी, अम्ल, क्षार, लवण को हम पढ़ेंगे। आपको सुन के लग रहा होगा कि 10वीं कक्षा के आसपास, 9वीं 10वीं में जब आप थे तब आपने इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ा होगा और आपको लग भी रहा होगा पढ़ी पढ़ी सी चीज़ें हम फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो उन्हीं बातों को हमें रिवाइज करना है, रिविज़न के तौर पर आप इस वीडियो को देखें। नाभिकीय विखंडन, संलयन, इसकी चर्चा हम करेंगे। यदि अभी भी आप इनको जानते हैं क्या होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। गैसों का आचरण और प्रमुख गैस, इनकी चर्चा की जानी है। कृत्रिम पदार्थ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बाद हमेशा की तरह अध्याय के अंत में अभ्यास पुस्तिका या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं परमाणु सिद्धांत से। जनक कौन है? जॉन डाल्टन है। कब दिया? 1808 में दिया। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण सन आपके लिए ये नहीं है, बस ध्यान रखें परमाणु सिद्धांत के जनक हैं, परमाणु और परमाणु सिद्धांत के जनक हैं जॉन डाल्टन। ठीक, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ, चाहे आप ईंट को ले लें, बॉल को ले लें, बॉटल को ले लें, किसी भी पदार्थ को आप ले लें, वो किन से मिलकर बना होता है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं जिनसे मिलकर कोई पदार्थ बनता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। इतनी चीज भी आप जानते हैं, बस परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन है, इसे आप ध्यान रखें। फिर परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो 1911 में रदरफोर्ड ने यह प्रतिरूप दिया था। इसके अनुसार क्या है कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो कैसा है? वो रिक्त या खोखला है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने क्या कहा? नाभिक कहा। फॉर एग्जाम्पल, ये परमाणु है तो बीच में एक नाभिक होता है जिसमें इसकी पॉजिटिव आयन या धनावेश एवं द्रव्यमान यहाँ बहुत छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, बाकी जो भाग है वो खोखला या रिक्त होता है। ऐसा किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। और जहां पर यह द्रव्यमान और धनावेश संकलित या केंद्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी यह इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है परमाणु संरचना मॉडल की। कंफ्यूज नहीं होना, परमाणु और परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड ने ही दिया था। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से किसने कहा है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला है, तब आपको रदरफोर्ड को टिक करना होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चर्चा करते हैं परमाणु संरचना मॉडल की। भाई ये किसने दिया? इसे 1913 में नील बोहर एवं रदरफोर्ड ने दिया था। क्या दिया था? परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया था। इसे बोर रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी नियम की। मेंडलीफ दोस्तों रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन, आवर्त नियम को प्रतिपादित किया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो तत्व थे उनको उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। ठीक, याद रखना है मेंडलीफ ने तत्वों को जमाते समय परमाणु द्रव्यमान को आधार माना था,
क्योंकि जब आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहां पर परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या मिलेगा आपको देखने, वहां आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको यही चीज बता दी। ध्यान रखना है मेंडलीव की आवर्त नियम में कुल 63 तत्व थे। फिर बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, जिसे किसने दिया, मोसले के द्वारा दिया गया, कब, 1913 में। आपको मोसले नाम याद रखना है, कंफ्यूजन में आपको आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव टिक नहीं करना। मोसले किसमें है, आधुनिक आवर्त सारणी में है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है, मोसले। और मेंडलीव की आवर्त सारणी अलग थी जिसमें 63 तत्व थे। अब आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों की तालिका हम सभी जानते हैं, जिसमें तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव में क्या था, परमाणु द्रव्यमान था परमाणु क्रमांक के स्थान पर, इस बात को आप ध्यान रखें। यह क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं और खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। इस प्रकार से आपको आवर्त सारणी देखने को मिलेगी, ठीक। तो जो यहां पर क्षैतिज पंक्तियां हैं, इस प्रकार से जो लेटी हुई पंक्तियां हैं उन्हें हम कहते हैं आवर्त, और जो खड़ी पंक्तियां हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ग। इतना आप ध्यान रखें। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और कुल 18 वर्ग होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने दी, मोसले ने दी। अब बारी आती है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की, जिसे जूलियस रॉबर्ट मेयर, किसने, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था, ठीक। सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के लिए किसी ने सिद्धांत बनाया, किसने बनाया, किसने दिया, तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया, इसलिए इन्हें ऊर्जा संरक्षण का जनक भी कहा जाता है। इनके नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ना तो आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह था ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब बात करते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरणों की, कि भाई कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, जरा हम जान लेते हैं। जैसे कि मोमबत्ती, मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो आपको लगता है मोमबत्ती खत्म हो रही है तो ऊर्जा नष्ट हो रही है, ऐसा नहीं है। मोमबत्ती से रासायनिक ऊर्जा को हम प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब मोमबत्ती आप जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है, जो गर्माहट भी होती है, जल भी सकते हैं आप, तो रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल फॉर्म में मोमबत्ती होती है, उससे प्रकाश और एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है मोमबत्ती। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक। विद्युत मोटर को क्या होता है, आप विद्युत की सहायता से घुमाते हैं, मतलब इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो ये अपना काम परफॉर्म करती है। लेकिन डायनमो से क्या होता है दोस्तों, यदि डायनमो घूमता है तो उससे एनर्जी बनती है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी आपने। तो ये जब हम जल ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, पानी को बहुत तेज गति से रोटर पर गिराया जाता है, तो उससे क्या बनती है, विद्युत बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वहां पर भी यांत्रिक से विद्युत में परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप मान लो कि लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ठीक, इससे आवाज निकलती है, आप माइक से इसे कनेक्ट किए हैं तो आपने यहां पर आवाज दी और आपकी आवाज यहां पर विद्युत में कन्वर्ट हो गई, और यहां से क्या हुआ, जैसे ही इस स्पीकर के पास पहुंची तो विद्युत से ध्वनि में परिवर्तित हो गई। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप माइक का एग्जाम्पल ना लें, आप कैसेट का एग्जाम्पल ले लें, सीडी का एग्जाम्पल ले लें, वहां पर जब भी हम लाउड स्पीकर में लगाते हैं चीजों को तो हमें ध्वनि सुनाई देती है, जबकि हम देते तो वहां पर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि सनलाइट से ये एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। माइक्रोफोन जिसे हम माइक कहते हैं, माइक में क्या होता है, जो माइक होता है उसमें हम माइक से बात करते हैं या बोलते हैं, तो हम देते तो ध्वनि ऊर्जा है, लेकिन स्पीकर के पास कौन सी आती, विद्युत ऊर्जा। तो माइक
के संपर्क में आने पर जो ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन या माइक। यहाँ पर हम स्पीकर लगा देंगे, लाउड स्पीकर, तो और इस माइक को हम लाउड स्पीकर से कनेक्ट कर देंगे तो लाउड स्पीकर फिर तेज आवाज देगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति है एक, उसने बोला, माइक में गया तो व्यक्ति ने ध्वनि निकाली, ध्वनि माइक में जाके विद्युत में परिवर्तित हो गई और ये माइक केबल के माध्यम से स्पीकर से जुड़ा हुआ है जिससे यहाँ से और तेज आवाज निकलनी है। तो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है और लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को फिर से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है लाउड स्पीकर। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी उम्मीद है, जितनी बातें मैंने बोली आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, फिर ट्यूबलाइट दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। आप देखते होंगे जो बल्ब आते थे पीले कलर के पुराने जमाने में, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते थे, उससे लाइट भी निकलती थी और गर्माते भी बहुत थे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए देखें ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ आए, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो। फिर विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सितार की बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं गिटार हो गया सितार हो गया, वे क्या करते हैं, वो यंत्र होते हैं और हम उनको हाथ से प्ले करते हैं, उनसे ध्वनि निकलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं सितार गिटार आदि इंस्ट्रूमेंट। ठीक, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर बात करते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोजों की। तो सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज मेंडेलीफ ने की थी, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रीस्टले ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। बोर सिद्धांत दिया था नील बोर ने, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था, प्लांक क्वांटम इनका पूरा नाम है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, इसको आप ध्यान रखें कन्फ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, इसको आप ध्यान रखें, नाइट्रोजन और नाभिक दोनों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। क्लोरीन की खोज की थी शीले ने, हाइड्रोजन की कैवेंडिश ने, बारूद की थी खोज रोजर बेकन ने, फास्फोरस बान हेरिंग ने की थी, परमाणु क्रमांक मोसले ने, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, फैराडे ने। हम पढ़ते भी थे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, स्कूल समय में हमसे क्वेश्चन के माध्यम से इनको लिखने को दिया जाता था एग्जाम में। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी, एक बार इस टेबल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आवर्त सारणी मेंडेलीफ, आधुनिक सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी मोसले, ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टले, न्यूट्रॉन चैडविक, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, बोर सिद्धांत नील्स बोर ने दिया, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया, क्वांटम सिद्धांत प्लांक क्वांटम ने दिया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी और नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी, ध्यान रखें। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, क्लोरीन की खोज की थी शीले ने, हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने, बारूद की खोज की थी रोजर बेकन ने, फास्फोरस की खोज की थी बान हेरिंग ने, परमाणु क्रमांक मोसले और विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने। दोस्तों घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी जब आप बार बार रिवाइज करेंगे। अपवर्जन सिद्धांत दिया था पाउली ने, पढ़ते भी ना पाउली की अपवर्जन सिद्धांत को बताएं, तो वही वाला अपवर्जन सिद्धांत है जो आपको पूछा जाता था पहले या बताने को दिया जाता था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत आपने सुना होगा। क्रमिक संरचना या क्रमिक रचना का नियम आपवाहु, अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड का नियम, पहले पढ़ते थे ना हुंड का नियम, उसको कहते हैं अधिकतम बहुलता का सिद्धांत। आपवाहु नियम बताइए, स्कूल में 11वीं में टीचर पूछते होंगे जब आप अष्टक वगैरह पूरे करने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसी चीजें करते थे ना जब हम, तब उस समय आपसे पूछा जाता होगा आपवाहु का नियम बताओ, उसे हम कहते हैं क्रमिक संरचना का नियम। हुंड का नियम बताओ, उसे हम कहते हैं अधिकतम बहुलता का नियम। अनिश्चितता का नियम किसका है, हाइजेनबर्ग का। रेडियो सक्रियता का नियम किसका है, हेनरी बेकर लेन का। ठीक, इनको आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपको इस चैनल का भी ध्यान रखना है। मुझे मोटिवेशन कब मिलेगा, जब इन वीडियोस को बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे, तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आप इन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी लोगों से भी करवाएं। बहुत मेहनत लगती है, अब तो समय भी कम हो गया, ऑफिस के साथ साथ मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग जितना सपोर्ट हो सके इस चैनल का सपोर्ट करें ताकि निरंतर आगे भी आपके लिए इस प्रकार की प्रैक्टिसेस की जा सकें। ठीक, क्योंकि आपके
रिएक्शन से आप वीडियो को अधिक संख्या में देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, बढ़िया बढ़िया अपनी मांग रखते हैं इसकी, सर ये चीज़ भी हमें चाहिए। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसी से हमें मनोबल मिलता है और फिर हम वीडियो को बनाने में सक्षम हो पाते हैं। यदि यही चीज़ें आप बंद कर देंगे तो आने वाले समय में वीडियो बनाने में इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाएगा इंसान, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है जो अभी नहीं चल रही थी लेकिन अब चालू करनी है, पढ़ाई भी करनी होती है, ऑफिस भी जाना होता है, साथ ही साथ वीडियोस बनाने होते हैं। वीडियो बनाने में दोस्तों थंबनेल, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, सेव करना, अपलोड करना, मिस्टेक हुई तो फिर री रिकॉर्ड करना, इतनी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब एक इंसान को इतनी सारी चीज़ें करने में और प्लस हाँ ये PDF बनाने में भी बहुत सारा समय जाता है, पर शेयर करने में, क्योंकि ये फ़ोन से वीडियो नहीं बनाता मैं, वीडियो दूसरे डिवाइसेस से बनाई जाती है ठीक, और PDF फ़ोन में बनाया जाता है, तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ समायोजित करते हुए आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल का सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं ताकि हमें भी मनोबल मिले। चलिए अब हम चर्चा करते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित सामान्य जानकारी की, जिसमें परमाणु में नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बेसिक सी लाइन लिखी है, क्या लिखा हुआ, परमाणु में क्या, नाभिक, बेसिकली हमने पहले ही देख लिया सेंट्रल में जहां पर द्रव्यमान और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसे हम नाभिक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ठीक है। नाभिक की बात कर लेते हैं दोस्तों, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से नाभिक होता है उसके चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, दुनिया दुनिया बच्चा बच्चा जानता है, ये 10वीं तक तो सब लोग ने साइंस पढ़ी हो, ये तो 6वीं 7वीं में पढ़ा देते हैं ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है, ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज रहता है। ये कण नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यही चक्कर लगाते हैं कि खोज की थी जे थॉमसन ने, कब की थी, 1897 में, जिसको याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस जे थॉमसन ध्यान रख लें। फिर बारी आती है प्रोटीन की, इनमें धनावेश होता है, ये नाभिक में पाए जाते हैं, खोज की थी गोल्डस्टीन ने 86 में की थी, इसको भी ध्यान ना रखें। फिर बारी आती है न्यूट्रॉन की, ये कण आवेश रहित होते हैं, ना तो इसमें प्लस चार्ज होता है ना इसमें माइनस चार्ज होता है, इसलिए आपको न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन नाम रख दिया इसका, ये भी नाभिक में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है नाभिक, इसमें प्रोटॉन प्लस चार्ज प्लस न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, कब की थी, 1932 में की थी, इसको भी ध्यान में रखें। आप ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। इस प्रकार से कुछ संरचना होती है, ये नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन हो गए, ये प्रोटॉन हो गए, ये द्रव्यमान विद्युत केंद्रित होता है लगभग सारा, ये इलेक्ट्रॉन अलग 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 कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं ठीक। इस इलेक्ट्रॉन की कक्षा ये, इनकी कक्षा ये, इनकी कक्षा है। हम स्कूल टाइम पर इस तरीके से बना लेते थे कक्षाएं, यहाँ पर 3D वर्जन में दिखाने का प्रयास किया गया है लेकिन पेपर 2D है तो उस प्रकार से स्पष्ट चीज़ें समझ नहीं आ रही ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है, परमाणु संख्या के बारे में हम जानें। तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को हम उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। प्रश्न आएगा, परमाणु संख्या से क्या तात्पर्य है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और भी दो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। परमाणु संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है, जितने प्रोटॉन होंगे उतना परमाणु संख्या होगी या परमाणु क्रमांक होगा। अब आपको परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक में भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीजें होती हैं ठीक है। यदि आपको मजा आ रहा वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा, फिर डिमोटिवेशन सा होता है कि आपको मजा नहीं आ रहा, हमें कैसे पता लगेगा, है ना। फिर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब फिर से कंफ्यूज नहीं होना, परमाणु संख्या क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम कहते हैं परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान क्या है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, इसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु C12 के परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। क्या है परमाणु भार, परमाणु भार क्या बतलाता है, परमाणु भार मान लो किसी तत्व का कोई परमाणु है, वो ये बतलाता है कि उस तत्व का एक परमाणु, एक एटम
कार्बन के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो कार्बन का एक अपर रूप है C12, तो वो उस किसी भी तत्व का एक परमाणु जो कार्बन C12 है, से आप कार्बन मान लें, C12 ध्यान दें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो उस किसी पर्टिकुलर तत्व का एक परमाणु कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 में भाग से कितने गुना भारी है। तो आप यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे, सीधी सी बात यदि मैं आपसे करूं कि किसी विशेष तत्व का जो एक परमाणु है, एक एटम है, वो कार्बन के एक एटम से कितने गुना भारी है, इतना क्लियर है। अब कार्बन के एक एटम के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, और कौन से कार्बन के, C12 कार्बन के। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको यह परिभाषा स्पष्ट रूप से समझ आई होगी, ना आई हो तो बताना, कभी समय मिलेगा तो अलग से वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। मैं फिर से बताता हूं, परमाणु भार क्या बताता है, किसी तत्व का परमाणु भार यह बतलाता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितने गुना भारी है। इस बात को मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किया, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगला बिंदु या अगली टेबल क्या बोलती है, यौगिक के सामान्य एवं रासायनिक नाम की चर्चा कर देते हैं। तो दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, ध्यान रख लेना। बेकिंग पाउडर को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। वॉशिंग पाउडर को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं बेकिंग पाउडर में और वॉशिंग पाउडर में। तो दोस्तों, बेकिंग पाउडर का उपयोग किचन में होता है, किचन में खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है, तो इस प्रकार से याद रखें बेकिंग पाउडर में बाई आना आवश्यक है, ठीक। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम और कार्बोनेट सबको याद रहता है, बस ये बाई में कंफ्यूज होते हैं कि बेकिंग में बाई लगा दें कि वॉशिंग में बाई लगा दें। तो दोस्तों ध्यान रखें, बाई केक बनाती है बेकिंग पाउडर से, ठीक, बेकिंग पाउडर केक में लगता है, इतना ध्यान रख लें। तो बेकिंग पाउडर सोडियम बाई कार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। नीला थोथा को हम कहते हैं, रासायनिक नाम इसका है कॉपर सल्फेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, बुझा हुआ चूना को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पत्थर को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, भारी जल को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्विक सिल्वर को कहते हैं पारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, याद रखें कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। किसी को यदि POP का रासायनिक सूत्र पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सॉल्ट पीटर को या नाइटर को हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर का रासायनिक नाम क्या है तो पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है तो पोटेशियम नाइट्रेट, स्प्रिट ऑफ सॉल्ट का रासायनिक नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। फिलोसोफर गुल का नाम है जिंक ऑक्साइड, एलम फिटकरी को कहते हैं रासायनिक रूप में पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, K2SO4N2L2SO4 24, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। क्या है फिटकरी या एलम का रासायनिक सूत्र, ऐसा कुछ है K2SO4N2L2SO4 का होल साइज इंटू 24S2O, ठीक। आपको लेकिन बताना किस चीज का है, कॉपर सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताना है। शुष्क बर्फ इसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमें चर्चा करनी है प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्कों के बारे में, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख धातु और उनके अयस्कों को जानने से। दोस्तों, सोडियम धातु के अयस्क का नाम है चिली साल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स और साधारण नमक। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के अयस्क हैं बॉक्साइट, कोरंडम, फेलस्पार और क्रायोलाइट। अयस्क क्या होते हैं, यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। पोटेशियम के अयस्क हैं नाइटर और कार्नेलाइट, याद करने में समस्या हो सकती है लेकिन बार बार आप पढ़ेंगे तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपको आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैग्नीशियम के अयस्क हैं डोलोमाइट और इप्सम कार्नेलाइट, कैल्शियम के अयस्क हैं डोलोमाइट और कैल्साइट, सिल्वर के अयस्क हैं रूबी सिल्वर और हार्नस सिल्वर, आसानी से याद हो जाएंगे। सोने का अयस्क है कालवेराइट और सिल्वेनाइट, याद रखें सोना में सिल्वर आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, चांदी में नहीं लगाना है, सिल्वेनाइट है सोने का अयस्क और कालवेराइट है सोने का अयस्क। निकेल का अयस्क है मिलेराइट, क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट, यूरेनियम का पिचब्लेंड काफी फेमस है, आपको पता भी होगा और इसको इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं आप। टाइटेनियम का अयस्क है एल्युमिनाइट, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, लेंथेनम और सीडियम, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है चर्चा करने की प्रमुख मिश्र धातुओं की, जैसे पीतल मिलके बनता है तांबा एवं जिंक से और बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है, इसी प्रकार से कांसा मिलके बनता है तांबा और टिन से, ठीक।
इसका उपयोग सिक्के, घड़ी एवं बर्तन बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर बनता है तावा, जिंक एवं निकेल को मिलाकर, इससे बर्तन बनाए जाते हैं। ध्यान रखें, जर्मन सिल्वर बनता है तावा, जिंक और निकेल को मिलाकर, इससे बर्तन बनते हैं। जर्मन सिल्वर तांबा प्लस जिंक प्लस निकेल, और तांबा और जिंक बस को मिलाएं तो पीतल बनता है, इसमें अपन निकेल और मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। गोल्ड रॉड बनती है तांबा और एल्यूमिनियम को मिलाकर, सस्ते आभूषण बनते हैं इससे। गन मेटल बनता है तांबा, जिंक एवं टिन से, इससे गियर बैरिंग बनाने में इसका उपयोग होता है। बैरिंग आप समझते हो, टायर्स में लगे होते हैं और जो इंजन वगैरह होते हैं उन सब में ये सब चीज़ें लगती हैं। डेल्टा मेटल बनता है तांबा, जिंक और आयरन से। तांबा, जिंक और टिन से बनता है गन मेटल, तांबा, जिंक और आयरन से बनता है डेल्टा मेटल, तांबा, जिंक और निकेल से बनता है जर्मन सिल्वर, सिर्फ तांबा और जिंक से बनता है पीतल। इनमें तांबा जिंक कॉमन है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं चारों को एक साथ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से एलिमिनेट भी कर पाए ऑप्शन को। और दोस्तों, मुंज मेटल और डच मेटल भी तांबा प्लस जिंक से बनता है, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा तांबा प्लस जिंक जिनमें कॉमन है उनको आप अलग से लिखें। टांका या सोल्डर, ये बनता है टिन और लेड से। आपने जो रिपेयरिंग वाली शॉप्स होती है वहां पर आपने एक तार देखा होगा एल्यूमिनियम टाइप का, आपको देखेगा इस प्रकार से, वो बना, उसको हम कहते हैं टांका या सोल्डर। ये टिन और लेड से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रिक उपकरण में टांका लगाने के लिए, कोई वायर उखड़ जाता है या कोई आपको और काम करना होता है तो उसमें फिर टांका का उपयोग किया जाता है। रोज मेटल का उपयोग है, बिस्मिथ प्लस लेड प्लस टिन को मिला के बनता है रोज मेटल, किससे बनता है, बिस्मिथ प्लस लेड प्लस टिन से मिलकर बनता है, मोबाइल उद्योग में इसका उपयोग होता है। स्टेनलेस स्टील, ये बनती है क्रोमियम प्लस निकल से, बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ एवं उसके वर्गीकरण के बारे में, वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो रही है, ठीक। अब आगे की चर्चा होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, निरंतर सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।